एक ऐसा साधु जो 21 साल से बगैर कुछ खाए पिए साधना में लीन है। दोस्तों, वैसे तो आपने किस्से कहानियों में बहुत से ऐसे ऋषि मुनि के बारे में सुना होगा जो कई सालों तक तपस्या में लीन रहते थे, जिस कारण ही उनके पास ऐसा तेज आ जाता था, ऐसी शक्ति आ जाती थी कि जो भी ये बोलते थे वो सच हो जाता था, और उन शक्तियों के बल पर ये कई असंभव कार्य भी कर लिया करते थे। दरअसल प्राचीन समय में ही नहीं बल्कि आज भी ऐसे ऋषि मुनि हैं जो कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, परंतु वो हिमालय के ऐसे गुफाओं पर हैं जहाँ जा पाना सामान्य इंसान के बस में नहीं। और उनमें से तो कुछ ऋषि मुनि हमारे बीच भी आते हैं, और एक ऐसे ही योगी के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं जो बगैर कुछ खाए पिए 21 सालों से तपस्या में लीन हैं। कहते हैं ये बाबा सर्दी हो या भीषण गर्मी या फिर भयंकर बारिश, हर समय खुले आसमान में सिर्फ लंगोटी पहने साधना में लीन रहते हैं। ये बाबा किसी से बात नहीं करते, परंतु इशारे इशारे में ही भक्तों से बात कर लेते हैं तथा उन्हें देखकर ही उनके परेशानी को भी समझ जाते हैं। कई लोगों के दुख को बाबा ने दूर किया है। यही कारण है कि यहाँ हर समय सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए ही बहुत भारी मात्रा में भीड़ लग जाती है। आइए जानते हैं इन बाबा के बारे में। कोसी नारा से 19 किलोमीटर दूर देवरी डोबरी पाली में एक साधारण किसान दयानिधि साहू एवं हसमती साहू के परिवार में 12 जुलाई सन 1984 को एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम हलधर रखा गया। हलधर को बचपन से ही सपने में भगवान शिव दिखाई दिया करते थे, जिसके बारे में वे अक्सर अपनी माँ एवं दादी को बताया करते थे। एक बार हलधर गांव के ही शिव मंदिर में 7 दिन और 7 रात तक ध्यान लगाकर शिव उपासना में बैठ गए। उसके बाद वे निरंतर अपने इष्ट देव में ही खोए रहे। शिव के प्रति उनकी आस्था देखकर गांव के बड़े बूढ़े एवं घर परिवार के लोगों ने उन्हें सत्य नारायण नाम दिया। कहा जाता है कि एक बार वे आम दिनों के भांति घर से स्कूल जाने के लिए निकल पड़े, पर स्कूल ना जाकर वे अपने भगवान का नाम का जाप करने के लिए किसी सुनसान जगह की तलाश में चल पड़े। अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर कोसम नारा गांव के एक सुनसान जंगल पर उनकी तलाश पूरी हुई और उन्होंने वहीं पर अपनी तप स्थली बना डाली। उसी दिन एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी जीप काट उसे अर्पित कर वे तपस्या में लीन हो गए। लगभग 1 हफ्ते बाद एक सेवक ने शिवलिंग के बगल में बाबा सत्यनारायण जी से आज्ञा लेकर धुनी प्रज्वलित कर दी, जो आज अखंड धुनी के रूप में यहाँ निरंतर चलता रहता है। शुरुआत में बाबा जी की तपस्या लोगों को अजीब लगती थी और कई लोग उन्हें उस जगह से हटने के लिए कहते थे। कई लोगों ने बाबा को वहाँ से हटाने का प्रयास भी किया, यहाँ तक कि उसके लिए प्रशासन से भी मदद ली गई, परंतु धीरे धीरे बाबा के प्रताप और उनके इस योग साधना को देख उनसे कई श्रद्धालु जुड़ गए और वे बाबा की मदद को आगे आए। बाबा जी के तपस्या की ख्याति धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। इसे देख सुनकर आसाम कामाख्या से श्री श्री 108 श्री मोनी कलाहारी बाबा, जिनकी उम्र लगभग 108 साल से भी ऊपर है, वे भी कोसम नारा रायगढ़ सत्य नारायण बाबा की तपस्या देखने आए और बाबा की तपस्या से इतने प्रभावित हुए कि श्री श्री 108 श्री सत्य चंडी महायज्ञ किया एवं बाबा सत्यनारायण जी को श्री श्री 108 की उपाधि देकर अपने स्वधाम को वापस हो गए। अब तो भारी मात्रा में भक्त बाबा के दर्शन को आने लगे। दोस्तों, आज भी ये बाबा तपस्या में लीन है और कई लोगों के दुखों को इन्होंने दूर किया है। आप भी एक बार इन बाबा के दर्शन को यहाँ जरूर आए, आपकी किस्मत भी बदल सकती है।